कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? Well, wait a second. आई एम बैक और आज मैं फिर से कुछ ऐसे क्रिंजी यूट्यूब शॉर्ट्स लाया हूँ, कुछ ऐसे क्रिंजी यूट्यूब शॉर्ट्स लाया हूँ जिनके क्रिएटर्स अपना VFX के टैलेंट को सिर्फ ट्रेंड्स के साथ ही दिखा पाते हैं और इनके बिना सर पैर के वीडियोस वायरल भी होते हैं। तो आओ यार, आज की मजदूरी यहाँ से शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले नमूने की तरफ। भाई इसको देखने के बाद ना मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। नहीं ये क्या है यार, ट्रेन आ रही है और ये चेयर पर बैठा हुआ है और अचानक से बड़ा हो जाता है। मतलब यार, व्हाट द हेल इज दिस मैन, व्हाट द हेल। अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? आई थिंक आई शुड क्विट यूट्यूब। ये आपका अंतिम निर्णय? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन एक बात बताओ कि ये सब लॉजिकलेस वीडियोस वायरल हो कैसे जाते हैं यार। खैर छोड़ो, अब हम चलते हैं अपने अगले VFX मास्टर की तरफ जो कि अलग ही दुनिया में है। ऐसा लगा मेरा मज़... इतना बुरा ना कि मन कर रहा चप्पल लेके ना। पहले एक बात बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? इस बवासीर को कोई भी देख के, कोई नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है देखकर कि ये पूरी तरह से एनिमेटेड है और ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है। अरे यार एक बात लिटरली बताओ कि क्या हम गधे हैं? अरे भाई ऐसे लॉजिकलेस क्रिंज वीडियोस वायरल कैसे हो जाते हैं यार, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। हम गधे हैं। खैर अब हम यही गधे बन कर रह जाते हैं और चलते हैं अपने अगले टैलेंटेड VFX एक्सपर्ट की तरफ। अपने देश को एक नया WWE चैंपियन मिल गया है जो एक मुक्के से ट्रेन को इंडिया से रशिया भेज देता है। भाई पहले एक बात बताओ कि कोई ट्रेन ऐसे ट्रैक पर चल कैसे सकती है जो इधर से उधर, उधर से इधर भाग रही है? और ज़रूरी है कि क्या तुम क्रिंजी कंटेंट बनाओ? यार मैं मानता हूँ कि YouTube शॉर्ट्स जो हैं वो लॉन्ग वीडियो से जल्दी वायरल होते हैं, पर एक बात बताओ कि क्या ज़रूरी है कि तुम YouTube शॉर्ट्स को क्रिंज बनाओ? और मैं कहता हूँ कि एक नया ऐप लॉन्च कर देना चाहिए जो कि सेकंड टिकटॉक होगा। छोड़ो यार, अब हम चलते हैं अपने अगले VFX आर्टिस्ट की तरफ जो कि इंस्पायर्ड बाय आमिर खान है। इसने, हाँ इसी ने एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आई एम स्पीचलेस। नहीं आई एम रियली स्पीचलेस यार, क्या एडिटिंग है यार। एक ट्रैक पर 3 लाइंस हैं और ये अंकल बाइक्स पर खड़े हुए हैं। आई एम रियली स्पीचलेस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। खैर इनको छोड़कर हम अब चलते हैं अपने अगले नमूने, ना अगले टैलेंटेड VFX आर्टिस्ट के पास। इज्जत से बोलना चाहिए ना। मुझे बस एक चीज बताओ कि इसमें लॉजिक क्या है? नहीं इसका क्या मतलब है यार, बंद करो यार इसे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, प्लीज़ इसे सीरियसली ना लें। और अगर आप लोगों को आज की मजदूरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यार ये गाड़ी को भी अभी जाना था, तो ये लोग इतना तेज चलाते हैं ना। अगर आज की मजदूरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तुम जानते ही हो कि सब्सक्राइब कैसे करना, अंदर जाके पिन कोड डालना, ऐसा कुछ नहीं करना होगा तुम्हें, समझ रहे हो ना? सब्सक्राइब को बटन लटक के अंदर जाके कोई पिन कोड डालना, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। बस उसे जादू की छप्पी से छू देना है, वो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अब मैं भी चलता हूँ, तुम सबसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे छुट्टी दे दे।